Hello, my healthy foodie friends. I'm back with yet another very interesting recipe of chocolate sandeeps. So I am in a celebration mood and thought of sharing this simple yet a very healthy and delicious dessert recipe. It is quick to make and tastes awesome. So let's start cooking. But before that, please subscribe to my channel and follow me on my Facebook page, Quick and Healthy Bites. इसके लिए एक ब्लेंडर में हमने छेना लिया है 200 ग्राम्स, कोको पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। हम अब इसमें डालेंगे ड्रिंकिंग चॉकलेट 1 टीस्पून, जागरी पाउडर 1.5 टीस्पून, एंड बस हमें इसे ब्लेंड करना है। अब इसके लिए जो छेना हम यूज करेंगे वो गर्म नहीं होना चाहिए। जब हम पनीर फाड़ देंगे घर पर, उसके बाद हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि जो पनीर है वो नॉर्मल एक रूम टेम्परेचर में आ जाए, एंड देन वी पुट इट इन अ ब्लेंडर। अदरवाइज वो एक फाइन पेस्ट हो जाएगा एंड वो संदेश का टेक्सचर जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। बस इसी तरह से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड भी हमें इसे रुक रुक के करना है, नॉट जस्ट एट अ स्ट्रेच, आप इसे ना करें। और अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड वील जेंटली मिक्स इट वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ अ स्पून। और अब मेरे पास एक मैंने ग्रीस्ड पैन रेडी कर रखा है, जिसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया था इस टिन को। इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपना मिक्सचर इस तरह से, और हमारा स्टीमर रेडी है, हमने उसे प्री हीट कर रखा है। तो इस तरह से हम इसे प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे और हमारे अपने स्टीमर में डाल देंगे। इट्स रेडी टू गो इन द स्टीमर। स्टीमर रेडी है, इसमें हम अपना बोल प्लेस कर देंगे एंड वील प्री वील हीट इट लाइक वील स्टीम इट फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स। अब बस इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। सो आफ्टर 10 मिनट्स वी विल जस्ट सी, आपको डिफरेंस दिखेगा एक इसके कलर में, एक टेक्सचर में, यू विल फील द डिफरेंस। सो सी इट्स सो नाइसली डन, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। एंड अब हम इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे, तुरंत हम इसे नहीं कट करेंगे, वील कीप इट। अब ये ठंडा हो गया है तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ, तो हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, वट एवर यू लाइक। तो मैं इसे रेक्टेंगुलर शेप्स में काट के सर्व कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल कट रहा है ये, जैसे कि आप एक केक काटते हैं बिल्कुल वैसा ही इस। You can see it looks so perfect, and you just need to serve it in a beautiful plate, and it's ready to have. You can also pour some chocolate sauce in it, और एक अच्छा flavor आ जाता है. But otherwise, it's good to go. जब बच्चों को chocolates खाने का मन हो तो बाजार का chocolate देने से it's far more better कि आप उनको घर पे ऐसा कुछ बना के दे, because इसमें छेना है, which is a very healthy option. एंड हम अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ करते हैं एंड जागरी पाउडर यूज़ करते हैं, विच इज़ अगेन नॉट एट ऑल अनहेल्दी। सो अ यम्मीलिशियस डेजर्ट इज़ रेडी टू हैव। आई होप यू रियली इंजॉय इट, डू ट्राई इट एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट मोर नोटिफिकेशंस अबाउट द न्यू रेसिपीज। सो स्टे सेफ, eat healthy and enjoy cooking. Thank you.